नमस्कार, मेरा नाम मनीषा कुमार है। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में मुझे पता है सब अच्छे ही होंगे, खूब खाना एंजॉय कर रहे होंगे। आइए उस खाना में मैं एक और अपना आइटम जोड़ती हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे डिश का नाम है पनीर पान विद ग्रेवी और रॉयल राजस्थान कचौड़ी से मैं आज इसकी स्टफिंग के साथ प्याज कचौड़ी बनाने वाली हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमें फिलिंग के लिए चाहिए ग्रेट किए हुए पनीर, थोड़े से इटालियन सीजनिंग, पान की ग्लोरी बनाने के लिए लौंग जो ऊपर से लगेगा, थोड़े से बीटरूट ग्रेट किए हुए गाजर और ग्रेट किए हुए चीज क्यूब्स, सौते करने के लिए थोड़ा सा बटर चाहिए। ये रेसिपी पनीर में बन रहा है और एक मैं कीमा में बनाती हूँ, जो मैंने कीमा तैयार करके रखा हुआ है। इसमें गरम मसाला, थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट और पुदीने का फ्लेवर है, आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। ये हो गई हमारी स्टफिंग। अब हमें ग्रेवी के लिए चाहिए उबले हुए सफेद प्याज जो मैंने काट के उबाल लिया है, और ये काजू जिसको मैंने सोक किया था और इसको भी उबाल के रखा है। उबाल के रखने का फायदा ये होता है कि आप इसको पकाने में कम समय लगेगा आपका। और ये है मलाई जिसमें कि मैं बनाऊंगी ग्रेवी, थोड़े से दूध, और ये पालक है जो पान की शेप में बनेगा, इसलिए इसका नाम पनीर पान विद ग्रेवी है। और ये मसाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसमें थोड़े से काली मिर्च है, और ये थोड़ा सा किचन किंग मसाला जाएगा ग्रेवी में, और ये घर का बना गरम मसाला भी जाएगा ग्रेवी में, और नमक स्वाद अनुसार। आइए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पनीर लूंगी, पनीर को एक बाउल में डाल दिया। उसके बाद इसमें कटे हुए थोड़े से, ये जो हमारा बीटरूट है ये मैं थोड़ा सा डालूंगी पान की गिलोरियों को लाल करने के लिए, बस थोड़ा सा जाएगा। ये चीज क्यूब्स जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग स्वाद के लिए, थोड़े से ग्रेट किए हुए गाजर, इन सभी को मैं मिला लूंगी, और थोड़े से नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डाल सकते हैं। ये हमारा बनकर तैयार हो गया स्टफिंग। अब इस स्टफिंग को मैं पालक में भरूंगी। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें ये इस तरह से एक बाइंडिंग बना लेंगे। ये बनाने का फायदा ये होगा कि हमको पान में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसे रखा, और इसके बाद ये और ये हमारे पान के डिज़ाइन बन गए। इसको मैं लॉन्ग से पैक कर रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इसको मैं बना लूँगी तो ये लॉन्ग को निकालना है हमें। तो ये देखिए हमारा ये बन करके तैयार हो गया। तो देखिए ये हमारी गिलोरियां तैयार हो गई। ये मैंने पनीर में बनाए हैं और ये मैंने कीमा में बनाए हैं। आपके अनुसार है कि आप क्या में बनाना चाहते हैं। दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और आप चाहें तो इसे ग्रेवी में न डाल के सीधे हल्का सा सेलो फ्राई करके स्टार्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब ये पान की जो हमने गिलोरी बनाई है उसको मैं हल्का सा स्टीम करूंगी। इसके लिए मैंने स्टीमर तैयार करके रखा हुआ है, उसमें मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी ताकि वो नीचे चिपके नहीं, और इसमें मैं ये गिलोरियां डाल दूंगी। गिलोरियां डालते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि इसका रंग ना बदले। तो रंग नहीं बदलने के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि हम इसे ढके नहीं, बिना ढके बनाएंगे। तो बिना ढके बनाने से क्या होगा कि ये गिलोरियां हरी की हरी रहेगी। तो इसमें मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा। तो ये अब हमारी गिलोरियां बन रही हैं, और तब तक मैं ग्रेवी बनाने के लिए ये प्याज, ये जो हमारा प्याज है इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ। तो ये मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है, इसमें 1 चम्मच पानी डालूंगी, इसमें 1 चम्मच पानी डाला मैंने, और मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। ये हमारा प्याज का पेस्ट तैयार है। प्याज की तरह मैं उबले हुए काजू का भी पेस्ट बनाऊंगी। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया। 2 चम्मच दूध डालूंगी। हमारा काजू का पेस्ट तैयार हो गया। अब मैं ये जो मैंने पान को स्टीम किया है इसको हल्का सा सौते करूंगी बटर में,
तो मैंने फ्राई पैन में हल्का सा बटर डाला। आप चाहें तो इसको स्टार्टर में भी खा सकते हैं, ये कीमा वाला भी बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ पनीर का बना रही हूँ। इसको हल्का सा सौते किया मैंने, ये हल्का सा सौते होता रहेगा फ्राई पैन में। इसको अब नहीं करते पानी। अब मैं ग्रेवी के लिए वो मलाई डाल रही हूँ। इसको मुझे पकाना है थोड़ी देर, ये पक जाएगा। जब थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगेगा तब मैं इसमें प्याज डालूंगी। देखिए ये मलाई थोड़ा घी छोड़ने लगा है। अब इसमें मैं पिसा हुआ प्याज डाल रही हूँ और इसको मैं भूनूंगी। हमें ध्यान रखना है कि ये थोड़ा क्रीमेस कलर ही आए, तो पान के साथ ये क्रीम कलर की ग्रेवी बहुत ही खूबसूरत लगती है, देखने में भी और खाने में भी। प्याज डाल दिया है हमने। प्याज डालने के बाद मैं थोड़ा सा, ये हमारा घर का बना मसाला है, ये मैं एक चम्मच ही डाल रही हूँ। इतना सा किचन किंग मसाला, आधा चम्मच, और नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक ये घी न छोड़ दे। जब ये घी छोड़ने लगेगा तब इसमें मैं काजू ऐड करूंगी। अब देखिए ये हमारा प्याज पक के तैयार हो गया है। इसको आप थोड़ा टेस्ट करके भी देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें काजू की ग्रेवी डाल रही हूँ। काजू की ग्रेवी एक्चुअली हमारी पकाई हुई है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। काजू का ग्रेवी बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। इसमें आप अपने अनुसार जितना थिकनेस आपको रखना है ग्रेवी में, उस अनुसार थोड़ा सा दूध डालें। तो लीजिए हमारा पनीर पान विथ ग्रेवी की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। कचौरी के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी और शुद्ध घी 1/2 कटोरी और थोड़ा सा अजवाइन और नमक। समय बचाने के लिए मैंने डो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। तो ये हमारा डो तो तैयार है। अब मैंने क्या किया है, ये जो नवरत्न मिक्सचर और आलू भुजिया है, 1/1 कटोरी मैंने इसको पीस लिया है मिक्सी में। पीसने के बाद ये इस तरह से तैयार हुआ है। तो अब हम करेंगे कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। स्टफिंग के लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि मिक्सर भी अपना ऑयल छोड़ता है। उसमें 1 ही लीप कड़ी पत्ता डालूंगी। उस कड़ी पत्ते को अच्छे से छोटे छोटे कतरन बना लीजिए। थोड़ी सी हरी मिर्ची डालिए और ये थोड़ा सौंफ, सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है, और थोड़ा प्याज। प्याज जब हमारा गुलाबी रंग का हो जाएगा तो मैं कढ़ाई बंद कर लूँगी और उसके बाद उसमें वो मिक्सर मिलाऊंगी जो मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। ये देखिए प्याज हमारा भून करके तैयार हो गया है। इसमें मैंने ये सारे मिक्सर डाल दिए। मिक्सर में अपना भी नमक होता है, इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, वो टेस्ट आप कर लेंगे। गैस बंद कर दूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीने का पाउडर जो ड्राई है वो डाल रही हूँ। और 1 चम्मच चीनी। आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया कचौड़ी के लिए। अब मैंने ऐसे लोई बनाए हैं, इस लोई को मैं बेल रही हूँ। 2 लोई में 1 कचौरी बनेगी। इसको मैं भर करके और गूंद करके बनाऊंगी। तो ये देखिए ऐसे ये मैंने बेला और ये मैंने बेला। इसके बाद इसके ऊपर मैं ये मसाले रखूंगी कुछ।
अच्छे से, इसके किनारे पानी लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं ये रख करके इसको बंद कर दूंगी। ये हमारी कचौरी बंद हो गई, इसको मैं अच्छे से फैला दिया मैंने और इसको हल्का सा गूंदूंगी मैं। ये देखिए, ये ऐसे इसको फ्राई किया जाए, इसको धीमे आंच पे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ब्राउन होने के बाद ये कचौरी हमें निकालनी है। ये बिल्कुल क्रिस्पी बनती है, एकदम खास्ता कचौरी रहता है। ये ब्राउन हो गया हमारा, इसको मैं निकाल रही हूँ। इतनी खास्ता कचौरी बनी हमारी मिक्सचर से और बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है। घर में जब मेहमान आ जाए और आपके पास मिक्सचर और प्याज हो तो आप फटाक से ये कचौड़ियाँ बना सकती हैं।